हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रमीज सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस R7। आज वार्म अप में हम करने वाले हैं 2 राउंड्स ऑफ PVC या तो टावल पास थ्रो 10 रेपिटेशन थोरेसिक रोटेशन, 10 रेपिटेशन लेफ्ट, 10 रेपिटेशन राइट, और लास्ट में करेंगे स्टैंडिंग एंकल रॉक 10 रेपिटेशन। पिछली वीडियो में हमने देखा कि टावल पास थ्रो किस तरह करना है, इसलिए इस वीडियो में हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे थोरेसिक रोटेशन 5 लेफ्ट 5 राइट। और वीडियो में आप देखेंगे कि थोरेसिक रोटेशन को किस तरह परफॉर्म करना है, और थोरेसिक रोटेशन एक्सरसाइज के जो बेनिफिट्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल में से लिख दिया है, आप उसे ज़रूर पढ़ें। और वीडियो में आप सीखें कि हमें इसे किस तरह परफॉर्म करना है, हमारा एंगल क्या होगा, हमारा बॉडी पोस्चर हमें किस तरह एक्सरसाइज में मेंटेन रखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे एंकल रोटेशन। ये एक्सरसाइज हमारे लेग और फुट मसल्स की स्टिफनेस को कम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हम सिंपली अपने फीट को हिप विथ स्टेंस रखेंगे और अपने एंकल को मूव करेंगे। आज कंडीशनिंग में हम करेंगे 5 राउंड्स ऑफ नंबर 1 आइस स्केटर्स 40 सेकंड्स के लिए, उसके बाद में हम 20 सेकंड रेस्ट करेंगे, और नंबर 2 होगी क्रॉस बॉडी माउंटेन क्लिंपिंग, ये भी हम 40 सेकंड के लिए परफॉर्म करेंगे। आइए देखते हैं वीडियो किस तरह परफॉर्म करना है। लास्ट में हम करेंगे स्ट्रेचिंग, लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें मेरे वीडियो को उनके साथ जिन्हें आप फिट देखना चाहते हो, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचिंग। पहली स्ट्रेचिंग करेंगे शोल्डर स्ट्रेच 30 सेकंड्स ईच साइड, और दूसरी स्ट्रेचिंग करेंगे कोबरा स्ट्रेच, ये हम परफॉर्म करेंगे 1 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैं स्ट्रेचिंग के लिए टॉवल का यूज़ कर रहा हूँ। आपको किसी भी फ्लेक्सिबल चीज़ का यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ आप अपने मसल्स को प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं दे पाएंगे।